दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खोज रहे हैं कि वो एम्स कहाँ है, जबकि बिहार सरकार ने एम्स के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। दरअसल दरभंगा एम्स के मामले को लेकर एजाज अहमद का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के किसी भी नेता को ये हक नहीं है, कोई उसे नैतिक अधिकार नहीं है वो धरना प्रदर्शन दे। बाकी इस पूरे मामले पर एजाज अहमद का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। उनकी राजनीति करती है, उसका पोल खुल गया है। प्रधानमंत्री जी के स्तर से दरभंगा में एम्स के निर्माण की बात कही गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस एम्स के खोज में आज दरभंगा में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि कहाँ दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आप अपने स्तर से तो दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खोज रहे हैं कि वो एम्स कहाँ है, जबकि बिहार सरकार ने एम्स के लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी है। ज़मीन की भरावट के लिए, मिट्टी भराई के लिए 325 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय NOC नहीं दे रहा है, जिस कारण दरभंगा में एम्स के निर्माण का कार्य रुका हुआ है, वो भी बाईपास के समीप। ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो भ्रम की राजनीति है और भ्रम की राजनीति का जो भ्रम जाल फैला हुए है उसका पोल खोलता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है दरभंगा एम्स के निर्माण के मामले में धरना या दरभंगा एम्स के मामले में भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। वहीं सभी को पता है कि बिहार सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए शोभन बाईपास पर जमीन उपलब्ध करा दी है। जमीन में मिट्टी भराई के लिए 325 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उस जमीन को NOC नहीं दिए जाने के कारण एम्स का निर्माण कार्य रुका पड़ा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा कर दी। अब दरभंगा के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ता उस एम्स के लिए धरना दे रहे हैं, जिसके संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में की थी। तो जैसा कि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ तौर पर कहना है कि दरभंगा एम्स के मामले को लेकर बीजेपी के किसी भी नेता को हक नहीं है कि वो उसको लेकर धरना प्रदर्शन करे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।